नमस्कार, मैं हूं मयूरी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आज हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताने जा रहे हैं, एक ऐसे मुद्दे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको लेकर अभ्यर्थी लगातार परेशान नजर आ रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। बता दें, यूपी के 69,000 सहायक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट फिर से बनाने को कहा गया है। कोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की लिस्ट को गलत माना है। सुनेंगे तो निकाल दिए जाएंगे उसी दिन पार्टी से, सीबीआई हो जाएगी, ईडी हो जाएगी इनके ऊपर। कोई न्याय नहीं है हम लोगों के साथ। जो कहते हैं कि सूत्र, वो सूत्र बना के रख दिया है। इन बात कहने के लिए ओबीसी एससी के मंत्री है, लेकिन कोई हमारी सुन रही है। कहने के लिए ओबीसी एससी के मंत्री है, लेकिन कोई हमारी सुनता नहीं है। सुनेंगे तो निकाल दिए जाएंगे उसी दिन पार्टी से, सीबीआई। दो लोग मर गए हैं कल फांसी लगा के। क्या चाहते हैं कि पूरे सब के सब मर जाए, पूरा सब मर जाए? हम क्या चाहते हैं? कहने के लिए ओबीसी एससी के मंत्री है, लेकिन कोई हमारी सुनता नहीं है। महिला को सुनकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुद्दा कितना बड़ा है। महिला रो रो कर कह रही हैं कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद दो लोगों ने फांसी लगा ली है। जोर देकर कहा गया कि 19,000 से अधिक सीटों पर आरक्षण में विसंगतियां पाई गई हैं। कोर्ट ने इसके साथ ही भर्ती परीक्षा के क्रम में आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 को जारी हुई चयन सूची को भी खारिज कर दिया है। इस चयन सूची को यह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि इसे बिना किसी विज्ञापन के जारी किया गया था। क्या चाहते हैं कि पूरे सब के सब मर जाए, पूरा सब सब के इतर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन अभ्यर्थियों के हक में आवाज बुलंद की है और इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि 69,000 सहायक भर्ती शिक्षक में आया फैसला आरक्षण की मूल भावना के विरोधी भाजपा सरकार की ढीली पैरवी का नतीजा है। भाजपा दलित पिछड़ों का हक मारने के लिए आरक्षण को विधायी माया जाल में फंसाती है। जाति जनगणना ही इस समस्या का सही समाधान है, इससे कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण हो सके। सिर्फ इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी सरकार पर निशाना साधा है। वहीं अभ्यर्थी ने अपने संबोधन में कहा कि ये ऑर्डर आया है, इसमें समस्या है। अधिकारी नहीं चाहते कि हमें नियुक्ति मिले। हमने लगातार अपनी आवाज बुलंद कर मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाई। एक अभ्यर्थी जिस दिन फैसला आया कोर्ट का, उस दिन आत्महत्या कर ली। सरकार से पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट के आधार पर पक्ष नहीं रखा। कहते हैं कि तुम लोग ये गलत है, कहते हैं कि गलत है। 2018 से जो संघर्ष शुरू हुआ था, वो आज भी लगातार संघर्ष जारी है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। कहते हैं कि तुम लोग ये गलत है, कहते हैं कि गलत है। 2018 से जो संघर्ष शुरू हुआ था, वो आज भी लगातार संघर्ष जारी है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। कहते हैं कि तुम लोग ये गलत है, कहते हैं कि गलत है।
2018 से जो संघर्ष शुरू हुआ था वो आज भी लगातार संघर्ष जारी है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं। कहते हैं कि तुम लोग ये गलत है, कहते हैं कि गलत है। 2018 से जो संघर्ष शुरू हुआ था वो आज भी लगातार संघर्ष जारी है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं। हमारे संवाददाता सुहानी मौके पर मौजूद हैं, सीधा हम उनके पास चलेंगे। सुहानी, शिक्षक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आप इको गार्डन में मौजूद हैं, हम चाहेंगे आप उनसे बात करने की कोशिश करें। शिक्षक ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज वो सुबह शिक्षा मंत्री आवास पे भी गए और उन्हें बात करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे साफ तौर पर कह दिया गया कि शिक्षा मंत्री आवास पे नहीं है और उन्हें सीधे तौर पे इको गार्डन होने आए। और आइए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे तमाम जो शिक्षक है वो यहाँ पे मौजूद है और अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि हमारे हमें न्याय मिले, तो सर क्या कहना चाहेंगे? अभी आदेश आया है शिक्षक भर्ती का, लेके रद्द कर दिया गया है हाईकोर्ट ने, क्या कहना चाहेंगे? कोर्ट का एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसमें ये कहा गया है कि एटीआरई जो है वो इसका भर्ती का हिस्सा नहीं, वो केवल पात्रता परीक्षा है। लेकिन सिंगल बेंच ये कह रही है कि एटीआरई जो है वो उसकी भर्ती का हिस्सा है। अगर 90 से 97 के बीच अगर कोई लड़का पास हो रहा है ओबीसी वर्ग में, तो वो जनरल की उसमें नहीं जाएगा। ये कहाँ का न्याय है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई ओबीसी का बच्चा जनरल की मेरिट में कट ऑफ में पार करता है तो वो जनरल की सीट घेरेगा। लेकिन यहाँ जो उसका सिंगल बेंच का आदेश आया है वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के विपरीत है, कि मतलब जो ओबीसी वर्ग का बच्चा जनरल की कट ऑफ को पार कर रहा है उसको जनरल की सीट पर ना ले जाके ओबीसी के कोटे में ही रख दिया जाए, यानी कि 50% सीटें जो है वो जनरल के लिए सेव कर दी गई, बाकी जो ओबीसी के लिए केवल 27%। ये कहाँ का न्याय है? तो सर क्या कारण हो सकता है कि शुरू से जो शिक्षा भर्ती था वो अदालत की भेंट चढ़ गई, ऐसे क्या कारण हो सकता है? ये अधिकारियों जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, शिक्षा मंत्री जो पहले सतीश द्विवेदी थे, इन सब का किया धरा है। अधिकारी हैं वो दिखावे हमारे लिए करते हैं कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अपने वर्ग के बच्चों से जाके याचिका डलवा देते हैं कोर्ट में, फिर उनकी सहायता करते हैं, नचर पैर भी करते हैं हमारी तरफ से। आइए और भी यहाँ पे जो शिक्षक है उनसे बात कर, सर आप क्या कहना चाहेंगे? जो क्या ये सही है? जो रिव्यू करने का आदेश आया वो तो ठीक है, बट जो उसमें आरक्षण की नियमावली लगाई है वो गलत है, क्योंकि वहीं पर जब डबल बेंच का आर्डर है कि मतलब आरक्षण के जो नियमावली है, यदि वो बच्चा भले ओबीसी का है लेकिन जनरल के कटाप में पार करता तो उसका जनरल में यूआर में सिलेक्शन होना चाहिए, ओपन कैटेगरी जो 50%। बल्कि इस आर्डर ने एक सिंगल बेंच के आर्डर को, डबल बेंच के आर्डर को खारिज कर दिया है। उसमें ये कहा गया है कि भले वो बंदा जनरल की कटाप में जाएगा लेकिन उसका सिलेक्शन ओबीसी की कैटेगरी में ही रखा जाएगा। ये आर्डर जो मतलब डबल बेंच का है उसको खारिज करता है। अभी आपने सुबह सुबह शिक्षा मंत्री आवास गए थे, वहाँ पे क्या कुछ हुआ? हम सुबह वहाँ पर शिक्षा मंत्री जी से मिलने गए थे कि हमारी पीड़ा को सुनेंगे और जो हमारी बात है उनसे करेंगे, क्योंकि जो आर्डर आया है अभी सरकार चाहे तो उसको मॉडिफाई करा सकती है अपने, क्योंकि जो बेसिक की नियमावली है वो खुद बेसिक की ही चैलेंज हो रही है, तो क्या सरकार अपनी नियमावली को कैसे बचा पाएगी? इसमें यह था कि सरकार अपना मॉडिफाई उसको करा के और जो नियमावली है वो सही ढंग से लगाए। कुछ लोगों का सर कहना है कि जो बीजेपी सरकार अपने वादे के, तो उसके मुकर्रम का कहना है कि हम पिछड़ों के साथ, लेकिन जिससे साबित हो गया कि वो कुछ पिछड़ों को नहीं देख रहा है और उन पे अत्याचार कर रहे हैं। नहीं, जो हमारे योगी जी का स्टैंड है वो तो क्लियर है, बट जो ट्रस्ट बेसिक के अधिकारी हैं या तो उन तक मुख्यमंत्री तक बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं या पहुंचा रहे हैं तो गलत ढंग से पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री तक ये बात हमारी पहुंचेगी तो न्याय हमें जरूर मिलेगा। सर आपको क्या कहना है, क्या कह सकते हैं जो आए आरक्षण की जारी करने की गलत है? यहाँ पर सरकार को डबल बेंच जाना चाहिए और इस आर्डर को चैलेंज करना चाहिए ताकि जो 8800 की लिस्ट दी है उन 8800 विद्यार्थियों को नियुक्ति मिल सके, उनको सही से न्याय मिले। अगर ये फैसला आने का आरक्षण सूची फिर से रिव्यू होता है, जिसमें आपका नाम नहीं आता है, तो आगे आप क्या फैसला ले सकते, क्या कदम उठाना चाहिए? तो वही हो गया ना, पहले तो चुनाव के दौरान दे दी लिस्ट, अब अगर इसको रिव्यू करेंगे तो निश्चित तौर पर जो इसमें
बेसिक नियमावली चैलेंज की गई है, तो उसके तहत बहुत सारे मेरे साथी भाई जो नौकरी कर रहे हैं वो भी बाहर हो जाएंगे, और जो लिस्ट आई थी उसमें की भी बहुत साथी जो है बाहर हो जाएंगे। और अब इसका बस यही एक हल है कि हम लोग आत्मदाह करेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो फैसला आया है बहुत बड़ा, ये जो भी सरकार के लिए झटका साबित हो रहा है, सरकार तरफ से हाईकोर्ट का कहना है कि फिर से आरक्षण का रिव्यू किया जाए। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि इस जो भर्ती में जो लिस्ट आई थी उसको रिव्यू किया जाए, और रिव्यू से खाली हमारा ही नुकसान नहीं हो रहा है, जो हमारे चयनित भाई हैं ओबीसी एससी के कम से कम 10,000 बच्चे जो हैं वो भी बाहर हो जाएंगे। इस जो हाई कोर्ट का आदेश आया है, जो हाई कोर्ट का आदेश आया है वो बेसिक शिक्षा नियमावली 1994 से एकदम मुखर फैसला ये दिए गए हैं, और उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय के जो आदेश हैं उनके आदेशों को माननीय जो कल का हाई कोर्ट लखनऊ बेंच है उन्होंने सिरे से नकार दिया है, जिसके माध्यम से सरकार पूरे दबाव में है, और सरकार जो 6800 की चयन सूची जारी की थी दलित पिछड़ों की उस पर न्याय देने जा रही थी, लेकिन जो उनके भ्रष्ट अधिकारी हैं वो पूरे इस घटनाक्रम को पिछले एक वर्ष से कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसाए रहे, अंत में इस सूची को रद्द करवा दिए, और जो हमारे और चयनित भाई हैं उनके ऊपर भी सर आपको ये लगता है कि इसमें योगी जी की कोई गलती नहीं है, इसमें उनके अधिकारी पूरा घपला कर रहे हैं, आरक्षण में जो भी घोटाला हुआ उनके अधिकारी किए हैं। जैसा कि पिछले 2 वर्ष से हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लेके दर दर भटक रहे थे, और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था उसके द्वारा जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था वो निकल के आया था, तो 20,000 सीटों का घोटाला हुआ है, लेकिन जो इनके भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्होंने मात्र 6800 पे हमें न्याय दिया था। जो माननीय योगी आदित्यनाथ हैं हमें 1 साल पहले नियुक्ति का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया था कि कब हमारी काउंसलिंग होगी, कब हमें नियुक्ति पत्र मिलेगा, लेकिन इनके जो भ्रष्ट अधिकारी हैं इन्होंने पूरी चयन प्रक्रिया को एकदम सुस्त करके कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा के, और जो दलित पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी चयनित शिक्षक हैं वो चाह रहे हैं कि भविष्य में इनके बच्चे न पढ़ें, इसलिए उन्होंने पूरे घटनाक्रम को 1 साल तक कोर्ट कचहरी में फंसाए रहा, वो अंत में उसे रद्द करवा दिया। और हमारी सरकार से यही मांग है माननीय योगी आदित्यनाथ से कि इन भ्रष्ट अधिकारियों से जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करें, और जो डबल बेंच है उसमें मजबूत पैरवी करें, और जो हमारे पिछड़े वर्ग के नेता हैं केशव प्रसाद मौर्य हैं, स्वतंत्र देव सिंह हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, माननीय संदीप सिंह हैं, और उनसे मांग है कि जल्द से जल्द इस पर उचित कार्रवाई करें, लेकिन जो आज हमारा हाल है 6800 चयनित शिक्षक का, कल उनका भी वही हाल होगा, कल उनकी भी कोई पूछ नहीं होगी इस सरकार में, इसलिए मांग है कि हमें जल्द से जल्द। सर विपक्ष कह रही है इस पे जाति जनगणना होना चाहिए, तो क्या लगता है? जो जाति जनगणना विपक्ष की मांग हो रही है वो तो एक अलग मुद्दा है इस भर्ती से, लेकिन जो जाति जनगणना है वो आरक्षण से पूरा उसमें कहीं ना कहीं उसका समावेश झलकता है। हमें दिखता है कि जब हमें 27-21% संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद भी ये सरकार हमको पूरा नहीं दे रही है, तो जाति जनगणना अगर हो जा रही है तो उससे ये पता चल जाएगा कि किस वर्ग का कितने लोग हैं, उस हिसाब से हमें और भी जो आरक्षण की नियमावली है वो सुचारू रूप से हो जाएगी। लेकिन जो भाजपा सरकार है वो इस जाति जनगणना को भी नहीं चाह रही है, और दलित पिछड़े वर्ग को भी नहीं चाह रही है कि वो आगे बढ़े, और 6800 जो चयनित शिक्षक हैं उनको घर बैठा रहे, 1 साल से घर बैठाए रही, और अंत में वो हाई कोर्ट के माध्यम से उनके जो चयन लिस्ट थी उसको भी रद्द करवा दी, और जो दलित पिछड़ों का तमका लगा हुआ था उसको लगवा दिया गया है। जानने की कोशिश करें कि ये मांग उनकी कब तक चलेगी और ये धरना कब तक चलेगा। सर आप बता सकते हैं ये जब तक आपको न्याय का फैसला, आप लोग कह रहे हैं कि जब तक न्याय का फैसला नहीं हो सकता है हमारे साथ, तब तक ये धरना प्रदर्शन, कब तक ये धरना प्रदर्शन करेंगे? जैसा कि हम पिछले 2 वर्ष से इस इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट जो 1 अप्रैल 2021 को आई थी उसके बाद हमारा लगातार धरना चलता रहा, और 5 जनवरी 2022 को माननीय योगी आदित्यनाथ के निर्देश पे 6800 चयनित शिक्षकों की लिस्ट जारी हुई, उसका पूरा कार्यक्रम शेड्यूल जारी हुआ, लेकिन पिछले 1 वर्ष से अधिकारियों ने इसे लटकाए रखा और अंत में हमें नियुक्ति पत्र नहीं दिया, लेकिन हम लड़ेंगे और हमारा जो धरना प्रदर्शन है वो अनवरत चलता रहेगा जब तक हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाएगा। लेकिन क्या कारण हो सकता है सर कि ये अभी तक जब भी ये शिक्षा भर्ती हुआ शुरू से ही अदालत की तरफ से मुड़ गया, इस पे हंगामे होते रहे, आप लोग धरना प्रदर्शन, क्या कारण हो सकता है? योगी जी ने भी अब तारीख
चाहते हैं कि दलित पिछड़ों के बच्चे पढ़ें, स्पष्ट रूप से चाहते हैं कि वो अगर पढ़ेंगे नहीं तो आगे नहीं पढ़ेंगे। वो खाली मुखौटा लगा के रखते हैं कि दलित पिछड़ों को हम न्याय दे रहे हैं। अरे तुम न्याय दे रहे हो तो क्यों नहीं एक साल से हमें नियुक्ति पत्र दे दिए? माननीय योगी आदित्यनाथ के जो फैसले है उसको तुम नहीं मान रहे हो, माननीय मुख्यमंत्री के फैसले को नहीं मान रहे हो, तो किसके फैसले को मानोगे? हमारे फैसले को मानोगे? हम दलित पिछड़े, हमारे फैसले को मानोगे? और जो और ओबीसी के नेता है उनको आज आगे आना चाहिए, पूरे समाज को आगे आना चाहिए। मैं आह्वान करता हूँ जितने पूरे देश के ओबीसी के नेता है, एससी के नेता है, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी, अखिलेश यादव जी, और जो अन्य विपक्ष के नेता हैं, और जो अन्य पार्टियों के अनुप्रिया पटेल जी, आशीष पटेल जी, उनसे मांग है कि वो आगे आए और पिछड़ा वर्ग को उनकी